अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये अभी हम गोदड़ा मार्केट में आए हैं। यहाँ पे ये दरवाजे बिकते हैं मेन, तो घर के लिए किसी को अगर दरवाज़ा वगैरह चाहिए तो यहाँ से आप बनवा सकते हैं। तो ये मेन मार्केट है, यहाँ पे चलते हैं भाई से और थोड़े से हम रेट मालूम करते हैं कि देखते हैं ये किस क्वालिटी में होते हैं और किस गेज में होते हैं, क्योंकि ये लोहा जो होता है ना इसमें गेज वगैरह होते हैं। तो हम थोड़े से रेट मालूम करते हैं। ये सेठ बैठे हुए, ये दूसरा बंदा भाई है इसका, तो इसके हम थोड़े से रेट पूछ लेते भाई से। ये भाई है, ये भाई से थोड़ा सा हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई जान? इरफान नाम है। इरफान, इरफान भाई आपके पास किस किस क्वालिटी के दरवाजे पड़े हुए हैं? हमारे पास हर क्वालिटी का, 18 गेज का भी है, 16 गेज का भी है, 20 गेज का भी है, 22 गेज का भी है। दिखा दो कौन कौन से दरवाजे। ये देखो, ये 20 गेज में बना हुआ है, 1 इंची के लट्ठे में। अच्छा, हाँ। ये लट्ठा को क्या होता है? ये रोड होता है साइड का, साइड का ये लट्ठा होता है 1 इंची का। अच्छा, ये जिसके ऊपर पूरा दरवाजा खड़ा होता है जी, ये 1 इंची का है। ये 1 इंची का है इसके अंदर। तो ये 1 इंची का लट्ठा है जो मेन जो है, जो जिसके ऊपर दरवाजा खड़ा होता है, ये इसका मतलब मजबूत लगा होना चाहिए। अगर किसी के पास थोड़ा कमजोर है तो दरवाजा निकल जाएगा। ये पोने का है, इसका मतलब है ये कमजोर वाला है। ये कमजोर है, ये जितना मतलब बड़ा दरवाजा है तो उसका मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना, तो वो फिर ज्यादा मजबूत होगा, पायदार होगा। ठीक है, ये 22 गेज में, वो 20 गेज में, सही है, डिजाइन अलग है, वो डिजाइन अलग है। ठीक है। अच्छा, ये इसका क्या किलो के हिसाब से होता है, फिट का हिसाब होता है, क्या होता है? किलो के हिसाब से भी होता है, फिट के हिसाब से भी होता है। फिट कितने का पड़ता है? 850। 850 रुपये फिट पर, और किलो? 340 रुपये मतलब किलो पड़ता है। ठीक। अच्छा, फिट में कौन सा, हर गेज का अलग फिट होगा ना हिसाब? अठारह गेज का अलग होगा, क्योंकि मोटा है तो उसमें वजन ज़्यादा आएगा ना फिट में। अच्छा, तो भाई आपने ये देख लिए दरवाजे, वो अब आप यहाँ पे अगर लेने आएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक तो वज़न के हिसाब से होता है, आपको अगर कुछ पता नहीं है ज़्यादा डिटेल गेज वगैरह क्या होते हैं तो आप जो है फिर वज़न के हिसाब से देख लें, जो है वज़न में ये होता है। अच्छा, गेज का ये होता है, जैसे ये चादर है ना, चादर मोटा है पतला है तो वो गेज होता है। जैसे 16 गेज है तो वो चादर थोड़ा सा मोटा होगा, उसमें जाहिर सी बात है फिट के हिसाब से ना फिर वज़न थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर 18 गेज है, 20 गेज है, 22 गेज है, जितना गेज का नंबर बढ़ेगा उतना चादर पतला होगा, उतना पतला होगा तो फिर वो दरवाज़ा वज़न उसमें कम होगा तो वो फिर दरवाज़ा आपको सस्ता पड़ेगा। तो इस वजह से अगर आपको गेज का आइडिया नहीं है तो आप क्या कर लें, किलो के हिसाब से ले लें, तो किलो में हिसाब से आपको फिर जो है मुनासिब पड़ जाएगा। अगर वो किलो के हिसाब से आप उससे लेंगे तो फिर आपको वो पतला नहीं देगा, आपको फिर वज़नी दरवाज़ा ही देगा। और उसमें यह है कि जितना आप माल भरेंगे उतना ही आपको क्या कहते हैं वज़नी दरवाज़ा मिलेगा। तो ये था, ये भाई के दुकान का मैं आपको कार्ड भी दिखा देता हूँ। ये कार्ड है आपको अगर लेना है तो इस नंबर पर रब्ता करें। ये ज़ुबैर भाई होते हैं, ये आपको इंशाल्लाह थोड़ा डिस्काउंट कर देंगे। ये एक सौदा हो गया, इन लोगों ने ये टोकन कर रहे हैं, दरवाज़ा एक भाई को हमने दिया है तो ये भाई आपको डिस्काउंट भी करेंगे। सबसे कम रेट लगाया भाई ने अभी 340 रुपये, तो कहीं पे आप जो है आपको सस्ता भी पड़ेगा इससे। अच्छा, दूसरा इसमें ये होता है कि ये इसमें स्टील के ये लगे हुए होते हैं, ये स्टील का अगर काम किया हुआ होता है ना तो स्टील तो महंगा है, जितना ज़्यादा स्टील का काम कराओगे तो उतना आपको दरवाज़ा ये महंगा पड़ेगा। तो ये हमने आपको दिखा दिया है, वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़।